गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सोशल नेटवर्किंग के बारे में बताऊंगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं और इसे बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए या जो भी कह लें किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, ऐसा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके लिए नया हो, बहुत ही वेल नोन टॉपिक है, सभी लोग इसको जानते हैं, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे उसके बारे में जनरल चीज़ें आप लोगों को पता है, थोड़ी और चीज़ें इसमें और भी होती हैं कि जो इसके बारे में आप लोग नहीं जानते, थ्योरेटिकल पार्ट इसका थोड़ा सा और है। प्रैक्टिकली तो आप लोगों ने बहुत यूज़ किया है, यूज़ करते हैं, सभी लोग यूज़ करते हैं, आप लोग नहीं सभी लोग यूज़ करते हैं, तो सभी लोग इसके बारे में जानते हैं कि हाँ इस चीज़ को हम सोशल नेटवर्किंग कहते हैं या इस तरह से जो भी है। ठीक है, तो देखो सोशल नेटवर्किंग का मतलब क्या है टोटल, जब वेबसाइट्स बहुत कम हुआ करते थे, जब वेबसाइट एक टाइम था जब वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा नहीं थी तो उनकी कोई उनको किसी कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया गया था। फिर जब उनकी जब बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई, बहुत सारी वेबसाइट क्रिएट होने लगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेबसाइट क्रिएट होने लगी, तो धीरे धीरे उनको कैटेगराइज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उन्हीं में से जो वेबसाइट्स की अपनी एक कैटेगरी होती है उसमें से एक कैटेगरी आती है हमारी सोशल नेटवर्किंग। ये कुछ सोशल नेटवर्किंग कोई अलग चीज़ नहीं है, इंटरनेट कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आज के टाइम पर अब ऐप की भी कन्वर्ट हो चुकी हैं, तो ऐप तो खैर बात का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब वो वेबसाइट्स थी तब भी उनको सोशल नेटवर्किंग में रखा जाता था। तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके अपने कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स के कारण उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे तो हर चीज़ वेबसाइट है, जीमेल भी एक वेबसाइट है, गूगल भी एक, google.com भी एक वेबसाइट है, facebook.com भी एक वेबसाइट है। ठीक है, और कोई भी वेबसाइट आप ले लें तो कोई भी जो जितनी भी वेबसाइट है सब कुछ सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन कुछ स्पेशल फीचर्स की वजह से कुछ वेबसाइट्स को इस कैटेगरी में रखा जाता है जिसका नाम है सोशल नेटवर्किंग। जैसे सर्च इंजन है तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको सर्च इंजन कहते हैं। ठीक है, सर्च इंजन कोई इंजन नहीं है, इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया भी था कि सर्च इंजन कोई इंजन नहीं होता, वो तो बस एक वेबसाइट्स की कैटेगरी है जिनकी अपनी एक स्पेशल क्वालिटी होती है जो कि हमें कोई भी चीज़ ढूंढने में हेल्प करती है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी एक कैटेगरी है, कुछ वेबसाइट्स इस कैटेगरी को बिलोंग करती हैं जिनमें से हम लोग कई सारी यूज़ भी करते हैं। मेरे से तो फेसबुक तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ट्विटर भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, लिंक्डइन हर कोई नहीं यूज़ करता है, लेकिन इसका यह भी सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में आती है, लेकिन इसको थोड़ा सा फीचर अलग हो जाता है, इसलिए नॉर्मली सारे लोग नहीं यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारी है, आप लोग यूज़ इंस्टाग्राम बहुत लोग यूज़ करते हैं, आप लोग भी यूज़ करते होंगे इंस्टाग्राम, कई सारे लोग बच्चे यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम, तो ये सब कुछ हमारे सोशल नेटवर्किंग में आता है। ठीक है, तो सोशल नेटवर्किंग का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे हम लोग द सोशल नेटवर्किंग साइट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट फोकसेस ऑन फैसिलिटेटिंग द बिल्डिंग ऑफ सोशल नेटवर्क और सोशल रिलेशन अमंग द पीपल हु फॉर एग्जांपल शेयर इंटरेस्ट एक्टिविटी बैकग्राउंड और रियल लाइफ कनेक्शंस। सोशल नेटवर्किंग कैन बी डन फॉर सोशल पर्पस, बिजनेस पर्पस और बोथ। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सोशल मीडिया। ये तो हो गई डेफिनेशन जिसको हमने इंग्लिश में रीड कर दिया, लेकिन अब उसका मतलब समझो एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब सोशल नेटवर्किंग जो भी चीज़ें हैं, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स जो भी हैं या जो भी सोशल नेटवर्किंग है, उसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सोशली कनेक्ट होते हैं। हम सोशली का कनेक्ट होने का मतलब देखो क्या है, हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो भी हम उससे कनेक्टेड हैं, लेकिन हम सोशली कनेक्ट नहीं हैं। जब ईमेल में हम दो लोग मिलकर एक दूसरे को ईमेल कर रहे हैं, कोई भी मतलब कोई एक इंसान दूसरे इंसान को ईमेल कर रहा है, तो वो पर्सनल मैटर में चला जाता है, वो पर्सनली हम उसे ईमेल कर रहे हैं। जब हम चैट कर रहे हैं तो भी हम पर्सनली चैट कर रहे हैं, लेकिन जब हम कुछ ऐसा कम्युनिकेशन करते हैं जो हम दो तीन लोगों के बीच में हो रहा है, लेकिन जो और लोग भी हैं वो भी उस कम्युनिकेशन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, चीज़ों को पढ़ सकते हैं, और कोई भी मतलब जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो भी पढ़ सकते हैं, और रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगी हैं तो सारे लोग पढ़ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ को, ऐसे कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग। ये भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन यहाँ पर अगर हम कोई मैसेज करते हैं या कोई इस तरह की चीज़ हम भेजते हैं तो ऐसे केसेस बहुत होते हैं, मतलब ऐसा पॉसिबिलिटीज़ पूरी होती हैं जिसमें कि वो सभी लोग उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको सोशल नेटवर्किंग कहा जाता है कि यहाँ पर लोग सोशली कनेक्ट होते हैं। भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आप लोग जब से बड़े हुए हो तब से आप लोगों ने जो नई जनरेशन है, जो मतलब आज से जो अभी इस टाइम पर 18-20 साल की 25 साल की जनरेशन है, उसने बहुत छोटे से ही इन चीज़ों को देखा है। ठीक है, लेकिन हम लोगों वाली जनरेशन है, उन लोगों ने हम लोगों ने इस चीज़ को डेवलप होते देखा है।
सालों पुराने जो फ्रेंड्स थे भाई, जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब होती हैं, जैसे मेरे बाबा की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो जब हम पहले रहते थे वहाँ के सारे फ्रेंड्स से कॉन्टैक्ट टूट गया भाई, ना मोबाइल फ़ोन है, ना लैंडलाइन है, ना छोटे छोटे से, तो इतना कोई वो भी नहीं था। फिर क्या हुआ कि जब हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो वो हमारे पुराने फ्रेंड्स जो हैं, जो क्लास नर्सरी में पढ़ते थे या क्लास फिफ्थ में पढ़ते थे या क्लास सेकंड में पढ़ते थे, उनसे वो कहीं ना कहीं हमें सर्च करने पे मिल गए, और वो फेसबुक से के थ्रू या और किसी इसी तरह के प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज हुई। आज के टाइम पर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज नहीं है भाई, आज आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो, उसके बाद आप लोग कहीं बाहर चले जाओगे, फिर भी दोस्तों से डेली बातचीत नहीं हो पाएगी। तो भी आप अगर उनसे फेसबुक से जुड़े हुए हो तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, और उनसे जो भी कम्युनिकेशन है वो हम लोग एक दूसरे से कर सकते हैं, ठीक है, बिना कॉल किए, बिना वो किए। फिर फेसबुक में क्या है, फेसबुक से जुड़े हुए हैं तो जो भी अपडेट्स आती हैं वो सबको दिखाई देती हैं, तो वो उससे मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं भाई। बहुत लोग दूर दूर रहते हैं, बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके बच्चे विदेशों में रहते हैं, तो वो लोग मान लो साल में 2-3 साल में कभी कभी आ पाते हैं, लेकिन अब उनकी भी उनके बच्चों के बच्चे हैं, वो डेली वो बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे करके, और उनकी भाई सबको मन करता है फ़ोटोज़ देखने का, और जो अपने उनके बच्चों की लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही, जहाँ वो घूम रहे हैं या जा रहे हैं, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को जानने का सबको इच्छा होती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं, ठीक है। बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत सारे नुकसान भी है, उनको आगे बताएंगे कि कौन से फ़ायदे होते हैं और कौन से नुकसान होते हैं, ठीक है। तो सोशल नेटवर्किंग का मतलब यही है कि ऐसी वेबसाइट जो हमें हमारे जानने वालों से और नहीं भी जिन्हें हम जानते हैं उनसे भी हमें एक कनेक्ट करने का मौका देती है, एक जगह देती है जहाँ पर हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और हम इस तरह की चीज़ें शेयर कर सकते हैं जो सभी लोग देख सकें, और मतलब जैसे भी सभी ने देखा है भाई फेसबुक, और ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं सोशल नेटवर्किंग के, जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, और भी हैं बहुत सारे हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, ठीक है, ये सब सोशल नेटवर्किंग में आती है। और फेसबुक का तो पिछले कुछ 11-12 सालों से यूज़ काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हुआ है, क्योंकि फेसबुक बहुत वेल नोन पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग है। पहले तो उतना उसका यूज़ नहीं होता था, वैसे फेसबुक 2004 से डेवलप हो गया था, लेकिन जो ये पॉपुलैरिटी इसकी गेन हुई है ये 2008 के बाद से गेन हुई, उससे पहले फेसबुक को इतना लोग नहीं जानते थे, कम लोग जानते थे। उस टाइम पर भी एक बहुत पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट थी ऑर्कुट, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, बहुत ज़्यादा ऑर्कुट का यूज़ होता था। अब ऑर्कुट बंद हो चुकी है, अब उसका यूज़ नहीं करते कोई, काफ़ी साल हो गए, जब फेसबुक की पॉपुलैरिटी बढ़ गई तो धीरे धीरे ऑर्कुट यूज़र्स ने उसको बंद कर दिया। और उससे भी पहले से ही जो एक पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग थी वो थी हाई फाइव। अभी चल रही है नहीं चल रही है तो मुझे नहीं पता, लेकिन सालों पहले मतलब 2005 और 2006 के आसपास लोगों ने हाई फाइव यूज़ करना शुरू किया था। फिर तुरंत ही ऑर्कुट लॉन्च हो गई तो लोगों ने फिर हाई फाइव छोड़कर ऑर्कुट यूज़ करना शुरू किया, और उसके बाद ही कुछ सालों बाद फेसबुक का ट्रेंड बढ़ गया। तो अब पिछले कुछ सालों से 10-12-15 सालों से हम लोग फेसबुक को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये सोशल नेटवर्किंग भी बहुत नई नहीं है, ये भी पुरानी, काफ़ी टाइम पुरानी है, समझ लो एक तरीके से 2003-4 से चल रही है सोशल नेटवर्किंग। तो ये भी, लेकिन हाँ वो ट्रेंड में अब ज़्यादा है, पहले उतने ज़्यादा यूज़र नहीं करते थे। जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में लोग होते थे वो लोग यूज़ करते थे, फिर धीरे धीरे छोटे शहरों में यूज़ होने लगा, अभी तो फेसबुक काफ़ी सालों से गांव में भी लोग फेसबुक का अच्छा खासा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा ऐसा मीडिया है जिसके थ्रू हम लोग सारे लोगों से जुड़ जाते हैं। उसी तरीके से ट्विटर को तो सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में भी रखते ही हैं, लेकिन बहुत सारी बुक्स में और बहुत जगह पे इसको माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहते में रखा जाता है। एग्जैक्टली ये जो है ये माइक्रो ब्लॉगिंग है, सोशल नेटवर्किंग तो नहीं कह सकते, लेकिन माइक्रो ब्लॉगिंग इसकी सब कैटेगरी है। इसकी मेन कैटेगरी अगर हम कहें तो सोशल नेटवर्किंग है, क्योंकि जो भी माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर हम कुछ लाइंस का एक ब्लॉग लिख सकते हैं, मतलब कुछ लाइंस का एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, उसमें कैरेक्टर्स स्पेसिफाई हैं 256 कैरेक्टर तक का, हम कोई स्टेटमेंट, कोई कमेंट, कोई भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं अगर ज़्यादा हिंदी में बोले तो वो, और जो भी लोग हमसे कनेक्टेड हैं वो लोग उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और उसे उसकी तारीफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनका इसका ज़्यादा नॉर्मल पब्लिक भी इसे यूज़ करती है ट्विटर को, लेकिन ज़्यादातर बड़े लोग जैसे अमिताभ बच्चन हैं, नरेंद्र मोदी हैं, और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ये लोग भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं ट्विटर का, ठीक है। तो सुना होगा आप लोगों ने, राहुल गांधी ने ट्विटर पर ये लिखा, या नरेंद्र मोदी ने लिखा, या बीजेपी की जो नेता हैं वो लोग सोशल नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस तरह जितनी बड़ी पार्टीज़ हैं वो लोग सोशल नेटवर्किंग का ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उससे भी उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, और उनके कमेंट्स पे रिएक्ट करते हैं,
निगेटिव और पॉजिटिव वो अलग बात है, लेकिन रिएक्शंस मिलते जाते हैं। तो ये ट्विटर का भी ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एग्जैक्ट सोशल नेटवर्किंग में नहीं कहा जा सकता। इसमें सोशल नेटवर्किंग तो है, सोशली कनेक्ट तो है, अगर हम लोग अगर कुछ लोग मिलकर एक ग्रुप बना ले, मतलब एक कोई कोई भी मान लो है, आप लोगों में से किसी को भी ले लें, आपके जानने वाले, आपके रिलेटिव्स और आपके जो भी बड़े अब हम फैमिली मेम्बर्स सब लोग हैं, तो वो लोग भी एक दूसरे से इस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग इसकी मेन कैटेगरी आती है, लेकिन वैसे इसकी एग्जैक्ट कैटेगरी अगर कहे तो वो आती है हमारी माइक्रो ब्लॉगिंग। लिंक्डइन का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट प्रोफेशनल लोगों के लिए, जो लोग कंपनीज में काम करते हैं उनका सोशल कनेक्शन है लिंक्डइन, जिससे कि वो लोग प्रोफेशनल्स को हायर कर सके। और बहुत सारे इसमें फीचर हैं, ये तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं यूज़ करते, मतलब जनरल यूज़ का नहीं है ये, लेकिन ये भी सोशल नेटवर्किंग का ही एक पार्ट है, लेकिन जनरल यूज़ में ये उतना नहीं आता है। ठीक है, फेसबुक इज़ अ सोशल नेटवर्किंग साइट दैट अलाउज अ यूज़र टू चैट, पोस्ट फोटोज एंड प्ले गेम्स। फेसबुक की फैसिलिटीज़ बताई गई हैं कि मतलब फेसबुक हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। उसी तरीके से माइक्रो ब्लॉगिंग जो है वो हमारी, ट्विटर जो है माइक्रो ब्लॉगिंग है, और सॉरी इसमें 280 कैरेक्टर्स लिखा हुआ, मैंने 256 कैरेक्टर बोल दिया। किसी किसी बुक में वैसे कॉन्फ्लिक्ट है, किसी किसी बुक में 256 भी लिखा रहता है, किसी किसी में 280 कैरेक्टर्स लिखा रहता है, क्योंकि पहले छोटे क्लास की बुक्स में भी कहीं कहीं पे 256 लिखा हुआ है। तो ये 280 कैरेक्टर्स आप नियर अबाउट मान लो, लेस देन 300 कैरेक्टर्स का हम लोग यहाँ पर इसमें स्टेटमेंट ट्विटर के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, विथ 700 मिलियन एक्टिव यूजर्स अराउंड द ग्लोब, इंस्टाग्राम हैज़ बिकम द वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल नेटवर्किंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंस्टाग्राम जो है वो आज के टाइम पर 700 मिलियन बहुत हो गया, 1 मिलियन जो 1 मिलियन होता है वो हमारा 10 लाख का होता है, तो उसमें 30 आप 7 लाख तो ये होगा, 30 और बढ़ा लो तो लगभग 70 करोड़ लोग हमारे यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम का। तो इंडिया में भी बहुत यूज़ करता है, आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं। तो इंस्टाग्राम के भी फीचर्स आपको पता ही हैं, वैसे भी वो इसी के मिलते जुलते ही, इसी जैसे फेसबुक जैसे मिलते जुलते ही फीचर होते हैं, सबने देखे हैं, सबने यूज़ किया है। ठीक है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम, तो वो भी हम एक पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट भी थ्योरेटिकल जानने के लिए अच्छी चीज़ है कि मतलब कैसे डेवलप हुआ, कैसे पॉपुलर हुआ। तो वो चीज़ है कि भाई सोशल नेटवर्किंग क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि सोशली कनेक्ट होने की वजह से लोग वो इसकी पॉपुलरिटी दिनों दिन बढ़ती जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट होते जाते हैं, फैमिली मेम्बर, बड़े बूढ़े जो भी हैं, सब लोग एक दूसरे का फेसबुक अकाउंट के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को शेयर करते हैं, फोटोज़ देख सकते हैं दूसरे के जो भी मतलब हमारे अकाउंट में। पहले तो रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होती थी, पहले तो जब शुरू में फेसबुक स्टार्ट हुआ था तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई भी देख सकता था। बाद में जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी तो फिर वो धीरे धीरे उनको उन चीज़ों को हटाया गया। अभी एडवांटेज डिसएडवांटेज जब इसकी बताएंगे तो उसमें बताएंगे क्यों, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस उसमें, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई जब बाद में फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया पॉपुलर होने लगी। अब इसकी कुछ हमारी एडवांटेजेस हैं, हर चीज़ की अपनी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होती हैं, तो इसकी कुछ बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं। सबसे पहली आती है ईजियर टू कनेक्ट। सोशल मीडिया का यूज़ करके हम लोग किसी से ईजिली कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमको ईमेल करना है या कोई मैसेज करना है तो मैसेज करने के लिए हमारे पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए और उस इंसान का मोबाइल नंबर होना चाहिए। मेल करना है तो मेल आईडी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम किसी इंसान को अगर हम फेसबुक के थ्रू सर्च करें और हमें मिल जाता है तो हम डायरेक्टली उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के या मैसेज करके उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कनेक्शन जो कनेक्ट करने का तरीका है वो बहुत ईजिली है, बहुत ज़्यादा ईजी है। बहुत कोई आपका पुराना फ्रेंड है या जिससे आपका कॉन्टैक्ट छूट गया है, बचपन में कोई फ्रेंड रहा होगा, तो उससे अगर आप उसको कहीं फेसबुक पर सर्च करते हो, कहीं वो मिल जाता है, तो आप उससे ईजिली कनेक्ट हो जाते हो। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि ना उसका मोबाइल नंबर की हमें ज़रूरत पड़ती है, ना उसके हमें मेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है, ना उसके एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। वो सोशल मीडिया के थ्रू हमें कहीं ना कहीं पर वो फ्रेंड या कोई भी इंसान है वो आपको मिल जाता है। फ्री बिजनेस प्रमोशंस का मतलब है कि यहाँ पर अगर मान लो किसी को कोई सामान बेचना है या मान लो किसी को अपना मकान किराए पर उठाना है, ठीक है, मान लो वो किसी शहर में रहता है, उसको अपना मकान किराए पर उठाना है, उसने एक पोस्ट कर दी कि 2 BHK रूम्स अवेलेबल फॉर रेंट या इस तरह से करके, ठीक है, तो क्या होगा, जो भी लोग उसे पढ़ेंगे, जो लोग वहाँ उससे जुड़े हुए होंगे या और भी कोई इस तरह के ग्रुप्स भी उसमें होते हैं जो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कुछ किए हमारी जो भी हम जो सामान जो भी चीज़ हमें जो बिज़नेस जो भी हमारा बिज़नेस है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। बहुत सारे
सारी और भी बहुत सारी आप उस पर ओपन करके देखो तो बहुत सारी चीज़ों के उसमें एड्स भी आते रहते हैं, सारी चीज़ें आती रहती हैं, बहुत साइड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं ऐड के फॉर्म में, तो बिज़नेस प्रमोशन के लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदेमंद होता है। जो एड्स के फ्लैश के फॉर्म में ऐड आते हैं उनका तो अपना पेड सिस्टम होगा, लेकिन हम अपनी छोटी मोटी चीज़ों को अभी प्रमोशन उस पर कर सकते हैं। एड्स इन क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केसेस में भी बहुत सारी बहुत बार सोशल मीडिया बहुत बेनिफिशियल होती है किसी क्रिमिनल को ट्रेस करने में या उसकी किसी तरह की हिस्ट्री जानने में। अगर मान लो जो भी कोई दो किसी का मर्डर होता है उससे जुड़े हुए लोग हैं तो वो लोग फिर जो साइबर एक्सपर्ट होते हैं फिर वो उनके फेसबुक अकाउंट इन सब चीज़ों से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं। तो बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में देखा होगा आप लोगों ने क्राइम पेट्रोल और जो इस तरह के प्रोग्राम्स आते हैं उनमें दिखाता है तो उसमें नाम चेंज कर देता है, फ्रेंड बुक कर देता है उसको, लेकिन वो फेसबुक के थ्रू वो लोग इन चीज़ों को सर्च करने में बहुत फ़ायदा मिलता है। स्प्रेड इन्फॉर्मेशन इनक्रेडिबली फास्ट, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड इनक्रेडिबली फास्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई वीडियो है या कोई ऐसा मैसेज है जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया जाता है तो वो बहुत तेज़ी से फैलता है, ठीक है। अब उसकी एडवांटेज तो ये है कि वो तेज़ी से फैलता है और डिसएडवांटेज आगे बताएंगे कि उसकी डिसएडवांटेज भी बहुत सारी होती है। तो बहुत बार इस तरह के मैसेजेज हो गए या इस तरह की कोई भी चीज़ हो गई जिससे मतलब जो हम किसी को देना चाहते हैं, मान लो कोई बच्चा लापता हो जाता है किसी वजह से, तो क्या है कि मान लो उस बच्चे की फ़ोटो और उसकी इन्फॉर्मेशन अगर फेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं तो जो भी लोग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके जहन में वो फ़ोटो है, तो मान लो उससे कई बार ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस में भी वो फ़ायदा हुआ है कि ऐसे इस तरह के क्रिमिनल केसेज या इस तरह की चीज़ों में बहुत बार कोई गायब हुई चीज़ मिल जाती है। तो ये चीज़ें हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है बहुत तेज़ी से फैलती है, कोई भी वीडियो फोटो होता है तो बहुत तेज़ी से सर्कुलेट होता है, कई बार इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मान लो कोई किसी को परेशान कर रहा है और वो वीडियो वायरल हो गया तो फिर उस पर लीगल एक्शन और जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उस पर होती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है हमारे सोशल नेटवर्क में, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, ऐसा कोई इसको लिमिटेड फ़ायदे नहीं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो कि नॉर्मली हम लोगों को देखने को मिलते हैं। देखिए एडवांटेजेस तो सबको पता है, सब सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन एडवांटेजेस से ज़्यादा कहीं इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस तो हर चीज़ की होती हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब जैसे एडवांटेजेस होती हैं वैसे ही डिसएडवांटेजेस होती हैं। तो सबसे पहले इसकी डिसएडवांटेज साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग तो वैसे बहुत आगे चल के आपको इसको और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। साइबर बुलिंग से यहाँ मतलब ये है कि मतलब उस पर किसी को भी परेशान करना, कमेंटबाजी करना, किसी तरह के नेगेटिव कमेंट, किसी ने कोई मान लो पोस्ट की भेजी है तो उस पोस्ट को नेगेटिव कमेंट्स देना, उसको मेंटली परेशान करने का करना, तो ये एक साइबर बुलिंग में आता है। तो इसकी भी अपनी कैटेगरीज होती है साइबर बुलिंग की, लेकिन जो जनरल एक बात कहें तो किसी को भी परेशान करने के लिए, किसी ने कोई पोस्ट की है या कोई कहीं कोई घूमने गया उसने कुछ फ़ोटोज़ डाली तो फिर उस पोस्ट को उसको मतलब मजाक के तौर पे उससे मतलब मजाक के तौर पे कमेंट करना, या इस सब चीज़ें साइबर बुलिंग में आती है। बहुत बार फ्रेंड्स भी ऐसा करते हैं, बहुत बार रिलेटिव्स भी ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। रियल लाइफ इंटरेक्शन का मतलब ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम इस सेम सिटी में रह रहे हैं फ्रेंड्स, और बहुत सालों से फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है, लेकिन हम फेसबुक के थ्रू जुड़े हुए हैं तो बहुत बार सोचते हैं चलो अरे फेसबुक से तो जुड़े ही हुए हैं, अपडेट मिल ही रही है, मिलने की क्या ज़रूरत है। तो बहुत बार कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने फ्रेंड्स को रियल लाइफ में मिलना कम हो जाता है हमारा, बस उसी फेसबुक और व्हाट्सएप या जो भी इस तरह की और सोशल मीडिया उन्हीं के थ्रू हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, ज़्यादा हम लोग एक दूसरे से फिज़िकली नहीं मिलते हैं। तो ये भी एक इसकी बिगेस्ट डिसएडवांटेज है। उससे भी बड़ी डिसएडवांटेज आती है हमारी एडिक्शन। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को ही होता है, बहुत सारे बड़े लोगों को होगा, बहुत सारे टीचर्स होंगे, बहुत सारे प्रोफेशनल्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स, जो लोग फेसबुक के बहुत ज़्यादा एडिक्ट होते हैं या किसी भी सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा एडिक्ट होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंटली उस पर अपडेट भेजते हैं, फ्रीक्वेंटली उसे चेक करते रहते हैं पूरे टाइम, 24 घंटे का मतलब जितनी भी देर वो जग रहे हैं पूरे टाइम जुटे हुए हैं इस चीज़ पर, तो ये भी एक एडिक्शन की कैटेगरी में आता है। सोशल मीडिया एडिक्शन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पर कि लोग ज़्यादा यूज़ कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे तो उस चीज़ के हम एडिक्ट होते चले जाते हैं, आदि होते चले जाते हैं। तो ये एक बिगेस्ट डिसएडवांटेज है कि बहुत ज़्यादा यूज़ करने से भाई हर चीज़ का अपना एक लिमिटेड यूज़ है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो कोई और भी चीज़ हो, तो अगर हम उसको लिमिटेड यूज़ करते हैं, सही तरीके से यूज़ करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम उसको बेइंतहा यूज़ करते हैं तो वो एडिक्शन की कैटेगरी में चल जाते हैं। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि बहुत बार ऐसी इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड हो जाती हैं जिनकी कोई सच्चाई नहीं होती है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत मतलब एक मुझे याद है कि एक बार एक फ़ोटो फेसबुक पे वायरल हो गई थी जिसमें दिखाया था कि एक लड़का है वो शिवलिंग के ऊपर पैर रख के खड़ा है, ठीक है। अब किसी ने भी और उस नीचे उसका नाम लिखा हुआ था कि वो दूसरी मतलब क्रिश्चियन या ऐसा कुछ नाम था उसका, ठीक है। तो
अब किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो लड़का ये सही फ़ोटो है, रियल है कि फ़ोटोशॉप की हुई है, क्रॉप की हुई है, चेंजेस किए हुए हैं, कुछ नहीं। उस लड़के के घर उसके घर वालों को परेशान करना पब्लिक ने स्टार्ट कर दिया और बहुत दिक्कतें उस तरह हैं। और बहुत और भी ऐसी बहुत बार चीज़ें हुई थी, एक लड़की ने कुछ कमेंट किया और फिर उसकी एक फ्रेंड ने उस कमेंट को लाइक कर दिया, अब दोनों को जीना हराम कर दिया गया, दोनों को परेशान किया गया, फिर अंत में पुलिस को बहुत सारी चीज़ों को इंटरफेयर करना पड़ा और उस सोशल मीडिया वेबसाइट के वालों को भी वो पोस्ट हटानी पड़ी। तो बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि बहुत फेक पोस्ट आ जाती है जिनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ऐसा मतलब नेशनल लेवल पे। जैसे नमक वाला आप लोगों को याद होगा, काफ़ी कुछ साल पहले हो गया था कि नमक के दाम बढ़ने वाले हैं और लोगों ने नमक खरीदना शुरू कर दिया था और अगले ही दिन सिचुएशन नॉर्मल हो गई, पब्लिक को जो गंदा संदा जो भी जो दुकान पर पुराना जो भी नमक मिला सबने खरीद के रख लिया कि कल नमक ख़त्म होने वाला है, नमक की प्रॉब्लम आ जाएगी तो नमक कैसे काम चलेगा, जबकि एक पैकेट नमक से पूरा महीना निकल जाता है, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो ये सोशल मीडिया की वजह से इस तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत बार स्प्रेड हो जाती है। मिसयूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब यही इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन का एक मैं इंसिडेंट आप लोगों को बताता हूँ जो कि काफ़ी साल पहले यूज़ होता था। बहुत लोगों की आदत होती है, जैसे अपार्टमेंट में लोग रह रहे हैं, बहुत आदत होती है कि वो हर चीज़ को मतलब उस पर पोस्ट करना शुरू कर देते। तो किसी इंसान ने, मतलब कई लोगों के साथ हुआ था, ऐसा नहीं कि एक के साथ हुआ था, एक मतलब कोई थे जिन्होंने लिख दिया आई एम वॉचिंग मूवी ऐसे करके। तो अब उससे जुड़े जो भी लोग होंगे या मान लो जो भी जानते होंगे कि अकेले रहते हैं या ये फलां घर में ही अकेले रहते हैं या जो भी है, बाद में उनके घर में चोरी वोरी हो गई, इस तरह का। ये एक इंसिडेंस नहीं है, ये मतलब एक आदमी के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है कि उस पर भेजी हुई इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके दूसरे लोगों ने चोरी या इस तरह की डकैती, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के क्राइम भी हो जाते हैं। और भी है, सबसे एक तो मेन आता है आपका फेक प्रोफाइल। फेक प्रोफाइल भी एक बहुत मतलब वो क्या कहेंगे, मतलब एक कॉमन डिसएडवांटेज है फेक प्रोफाइल की। बहुत सारे लोग फेक प्रोफाइल बनाकर लड़का जो है वो लड़की की प्रोफाइल बनाकर दूसरी कंट्री के किसी और लड़के से या किसी और अपने जानने वाले से या अपने किसी फ्रेंड से चैट करते हैं या जो भी, मतलब आप लोग खुद समझदार हैं, जानते हैं किस तरह की चीज़ें उस पर की जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें करते हैं। तो वो भी एक हमारी एक बिगेस्ट डिसएडवांटेज होती है सोशल नेटवर्किंग की। तो ऐसे और भी बहुत सारी हैं और कुछ एथिक्स भी हैं हमारे कि मतलब अगर हमें सोशल नेटवर्किंग यूज़ करना है तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आता है हमारा राइट पर्सपेक्टिव का मतलब कि हम एक सकारात्मक सोच से उसको यूज़ करें, सही चीज़ को सही तरीके से यूज़ करें, ना कि गलत तरीके से यूज़ करें। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। यूटिलेरियन पर्सपेक्टिव, अ यूज़र शुड रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड केयरफुली टू एक्टिविटी दैट फॉरबिडन बाई लॉ, मतलब रूल्स, इसके भी अपने कुछ लॉज बने होते हैं तो उन लॉज के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए, किसी भी तरह की इस तरह की गलत चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। वर्च्यू पर्सपेक्टिव में आता है हमारा, इवन शुड नॉट इंडल्ज इन एनीथिंग दैट वर्क अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, कि हमको अपने समाज की के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहिए, हम ऐसा कोई काम फेसबुक के थ्रू ना करें जिससे कि हमारा समाज या हमारे लोगों को प्रॉब्लम हो या किसी भी इंसान को, तो हमारे लोगों का मतलब यहाँ हम लोगों को हो, किसी भी तरह की किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। फेयरनेस पर्सपेक्टिव एक इसका और एथिक्स में आता है कि यूजर शुड रिफ्रेन देमसेल्फ फॉर inappropriate post or comment that you supports any discrimination and social treat every other user equally, ठीक है। ऐसा मतलब कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं कर, हमें फेयरनेस रखनी चाहिए, हर किसी को समान मानना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम किसी पर रेसिस्ट कमेंट या इस तरह की चीज़ें करें सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए, किसी दूसरी कंट्री या जो भी मतलब है, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो कुछ इसके अपने एथिक्स होते हैं सोशल नेटवर्किंग को, जिनको यूज़ करते समय जब भी हम सोशल नेटवर्किंग यूज़ करें तो हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, थैंक यू।